नमस्कार बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है हिंदी पाठशाला में। प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे व्याकरण कार्य। कौन सा कार्य? व्याकरण कार्य। आज हम करेंगे अनुच्छेद के बारे में, और अनुच्छेद हमारा कौन सा है? मेरी प्रिय ऋतु, मेरी प्रिय ऋतु। अब ऋतुओं का पता है आपको, सीजन्स जिसको बोलते हैं। भारत में जो है कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं हैं, ठीक है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, कितनी ऋतुएं हैं? 6। अब ये जो ऋतुएं हैं, इन सब में आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है? मुझे तो सबसे अच्छी वसंत ऋतु लगती है। तो आपको कौन सी लगती है? वसंत ऋतु। तो चलिए आज हम वसंत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, आपने केवल यही लाइनें नहीं लिखनी हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इससे भी अलग आप अपनी लाइनें लिख सकते हैं वसंत ऋतु के बारे में। आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं जो कुछ आपको पता है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक सैंपल दिया है कि ऐसे लिखना है अनुच्छेद, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं वसंत ऋतु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ऋतुओं का देश है, यहाँ अनेक ऋतुएं समय समय पर आती हैं। मुझे वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है। क्यों क्यों लगती है सबसे अच्छी? इस ऋतु में प्रकृति अपना सौंदर्य दिखाती है, यानी कि जो हमारी प्रकृति है, नेचर है, वो अपना सौंदर्य दिखाती है। सौंदर्य कैसे दिखाती है? चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, खुशनुमा माहौल हो जाता है और वातावरण जो है मनमोहक होता है। यह ऋतु शरद ऋतु के बाद आती है। इसे ऋतुओं का राजा माना गया है। ऋतुओं का राजा क्यों माना गया है? क्योंकि यह ऋतु सबसे अच्छी होती है, ठीक है, सबको अच्छी लगती है। वसंत ऋतु के आते ही चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, यानी कि जब वसंत ऋतु आती है तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। फूलों से लदे पौधे व सुगंध से युक्त वातावरण मन में प्रसन्नता भर देता है। फूलों से लदे हुए पौधे, यानी कि जब वसंत ऋतु का आगमन होता है, पौधों पर फूल आ जाते हैं, यानी कि पौधे फूलों से लद जाते हैं और वातावरण जो है वो सुगंध से युक्त हो जाता है, और सुगंध से युक्त हो जाता है तो वह हमारे मन को प्रसन्न कर देता है। इस ऋतु में सूखे पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने लगते हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल ही फूल दिखाई देते हैं। इस ऋतु में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक ठंड होती है। वसंत का मौसम सुहावना होता है। क्यों होता है सुहावना? क्योंकि जब गर्मी का मौसम होता है तो ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी ज़्यादा होती है, बरसात का मौसम होता है तो बारिश ज़्यादा होती है। तो वसंत ऋतु में कैसा होता है मौसम? ना तो अधिक गर्मी होती है, ना ही अधिक सर्दी होती है या ठंड होती है। वसंत का मौसम सुहावना होता है। कैसा होता है? सुहावना। सुहावना क्या होता है? जो हमारे मन को अच्छा लगता है, ठीक है, हमारे मन को बहुत सुंदर लगता है। इस ऋतु में कोयल की कूक सुनाई देने लगती है। कौन सी ऋतु में? वसंत ऋतु में। आपने एक श्लोक भी सुना होगा, नहीं सुना होगा, मैं आपको बता देती हूँ। एक श्लोक है, काक है कृष्ण है पिक है कृष्ण, को भेद है पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काक है पिक है पिक है। चलिए मैं इसका अर्थ भी बता देती हूँ कि जो कौवा होता है वो काला होता है, जो कोयल होती है वो भी कैसी होती है? कायल, काली होती है। लेकिन हम इनकी पहचान कब होती है? हम पहचान नहीं पाएंगे। क्यों? कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है,
तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या है जिससे हम इनको पहचान सकें। वसंत समय प्राप्ति, जब वसंत ऋतु आ जाती है तब काक है कोआ कोआ होता है और कोयल कोयल होती है, अर्थात इनकी आवाज़ से पहचान हो जाती है, आवाज़ से इनकी पहचान हो जाती है। जब कोआ बोलता है काँव काँव करता है, और जो कोयल बोलती है वो मीठी आवाज़ में बोलती है। तो आपको समझ आ गया कि क्या करती है, वसंत ऋतु में कोयल की भी कूक सुनाई देने लगती है। प्रकृति के कण कण में नव जीवन का संचार होता है, यानी कि प्रकृति का हर कण मुस्कुराने लगता है, नए जीवन का इसमें संचार हो जाता है। वसंत पंचमी के दिन लोग ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। वसंत पंचमी के बारे में भी आपने सुना होगा, वसंत पंचमी के दिन लोग किसकी पूजा करते हैं, माता सरस्वती की। और माता सरस्वती जो है वो हमारी विद्या की देवी है, विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। और इस दिन सभी लोग कैसे वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं और घरों में पीले ही पकवान बनाए जाते हैं। किसके दिन, वसंत पंचमी के दिन चारों ओर पीला ही पीला दिखाई देता है, यानी कि इस ऋतु में जो सरसों के फूल होते हैं पीले पीले, वो भी चारों ओर लहलाते हुए दिखाई देते हैं। हम सबको इस ऋतु का आनंद लेना चाहिए। कौन सी ऋतु का, वसंत ऋतु का। तो आज हमने पढ़ा अनुच्छेद किसके बारे में, वसंत ऋतु के बारे में। अब वसंत ऋतु के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है, इसके अतिरिक्त भी आपके पास बहुत सारी जानकारी होगी, आप वह भी इसमें लिख सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है कि आप यही पंक्तियाँ लिखें, ठीक है। अब एक बार और फिर हम इसको एक बार अच्छे से और रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमें ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। भारत ऋतुओं का देश है। ऋतुओं का देश कैसे है कि भारत में समय समय पर अनेक ऋतुएं आती हैं, और मुझे तो वसंत ऋतु सबसे अच्छी लगती है। अब 6 ऋतुएं मैंने बताई हैं आपको, कौन कौन सी, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर, ठीक है। ये कौन सी ऋतुएं हैं, ये भारत में आने वाली ऋतुएं हैं, और हर 2 महीने के बाद नई ऋतु का आगमन होता है, ठीक है। और नई ऋतु कुछ नया लेकर आती है। इस ऋतु में प्रकृति जो है अपना सौंदर्य दिखाती है, यानी कि प्रकृति भी चहकने लग जाती है, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। यह ऋतु शरद ऋतु के बाद आती है, इसे ऋतुओं का राजा माना गया है। कहा गया है ना ऋतु राज वसंत, तो ऋतुओं का राजा किसे माना गया है, वसंत को। वसंत ऋतु के आते ही चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, फूलों से लदे पौधे व सुगंध से युक्त वातावरण मन में प्रसन्नता भर देता है। यानी कि जब चारों ओर हमें फूलों से लदे हुए पौधे दिखाई देते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, और जो पौधों पर लगे हुए फूल हैं वो चारों ओर अपने सुगंध फैलाकर वातावरण को भी सुगंधित कर देते हैं। इस ऋतु में सूखे पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आने लगते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल ही फूल दिखाई देते हैं। जब चारों तरफ रंग बिरंगे फूल ही फूल दिखाई देंगे तो माहौल अपने आप ही कैसा हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है, खुश हो जाता है। यदि हम कहीं बगीचे में टहलने जाएं सुबह सुबह और हम देखें कि फूल खिले हुए हैं, फूलों को देखकर हमारा मन भी खिल उठता है। इस ऋतु में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है, बिल्कुल सम मौसम होता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा सर्दी, मौसम बड़ा सुहावना होता है। इस ऋतु में कोयल की कूक सुनाई देने लगती हैं, यानी कि जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल कूकने लगती हैं। प्रकृति के कण कण में नव जीवन का संचार होता है, यानी कि वसंत ऋतु आने पर
प्रकृति का कण कण मुस्कुराने लगता है। वसंत पंचमी के दिन, अब जो वसंत ऋतु है उसी में कौन सी क्या आती है, वसंत पंचमी। अब वसंत पंचमी के दिन लोग क्या करते हैं, ज्ञान की देवी सरस्वती या विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, इस ऋतु का आनंद लेना चाहिए और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। आपको अनुच्छेद समझ आ गया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ आपको तो याद भी हो गया होगा। तो आपने क्या करना है, इस अनुच्छेद को अपने पाठ्य अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कार्य हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।